लोगो डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से होगा, और इसकी एग्जांपल आज इस वीडियो में बताऊंगा। कॉल्टेक्स का लोगो जो है वो मैं डिजाइन करूंगा आज की इस वीडियो में। तो सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स ऑप्शन, और शेप्स में हम ले लेंगे यहाँ पर एक ओवल। ठीक है जी, इसी पेज पे बनाना है तो इस पेज पे ड्रॉ कर लें, नहीं तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट में ब्लैंक पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अप डाउन पेज होगा। व्यू में जाएंगे, मल्टीपल पेज से राइट लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अलग पेज पे इसको देखकर यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंसर्ट में ओवल सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट में ओवल सिलेक्ट करने के बाद ठीक है जी, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ ड्रॉ इक्वल ओवल जो होगा ड्रॉ होगा इस तरह से। इंसर्ट में शेप्स में यहाँ पर हमारे पास स्टार दिया हुआ है, स्टार 5 पॉइंट्स, स्टार 5 पॉइंट्स क्लिक, और यहां से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है स्टार को, और यहां से विड्थ के हिसाब से इसको मैं बढ़ा रहा हूं। यहां से जो डॉट बने हुए इधर से क्लिक करेंगे, यहां से भी इसको बड़ा करेंगे, यहां से भी इसको मिलाएंगे, और फिर यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है जी, अब तक का जो भी काम है वो सही हो रहा है हमारा। यहां पर कलर हमें चेंज करना है, इसको हम करेंगे रेड, और यहाँ पर स्टार जो आएगा इस शेप पर क्लिक, इसका अलग शेप फॉर्मेट आएगा तो इसको हम करेंगे व्हाइट, आउटलाइन इसकी शेप नो। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये किस तरह से बनेगा, ये भी शेप में हमें मिल जाएगा। शेप्स में क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन ले लें, या फिर यहाँ पर ये आ रहा है पार्शियल सर्किल इसको ले लें, या फिर यहाँ पर क्रॉड आ रहा है हमारे पास इसको ले लेते हैं, और यहां पर हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से ठीक है जी। सिंपल जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा। इसको रोटेट करेंगे हम, रोटेट के साथ यहां से इसके साथ इसको मैच करेंगे ठीक है जी। यहां से सर्किल जो आ रहा है इसको थोड़ा सा इस तरह करना है, और ये जो ये पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं इसकी मदद से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां से मैं इस वाले शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कुछ इस तरह से चेंज करना है हमें। यहां से विड्थ बढ़ाएंगे, और अब इस रोटेट पॉइंट से इसको मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, और इसी तरह से इसको भी यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहां से इसको भी चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, यहां से इसको चेंज करेंगे, और यहां से इसका एडिट पॉइंट क्लिक, और इसको यहां पे सेट कर लेंगे। ठीक है जी, तकरीबन सही हो गया ये काम हमारा, और इसके साथ अब इस वाले शेप को स्टार जहां बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे, यहां प्रिंट टू कर लेंगे फ्रंट, और यहां पर आप ये वाला शेप हमें डिजाइन करना है। इंसर्ट शेप्स, ये ले लेते राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल को लेकर हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इसको चेंज करना है इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसको हम क्लिक करेंगे, इसका शेप फॉर्मेट मेन्यू रोटेट ऑप्शन में हम यहां इसको चेंज करेंगे फ्लिप वर्टिकल। देखिए अब इस तरह है, फ्लिप वर्टिकल इस तरह आ जाएगा, कलर रेड, शेप आउटलाइन नो, और यहां से हम इसको इधर से सेट करेंगे, और फिर यहाँ से इसको इस जगह पे ले आएंगे, और इस एडिट पॉइंट को यहाँ पे मूव करना है शेप फॉर्मेट में। एडिट पॉइंट राइट क्लिक से भी आ जाएगा, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं।
ठीक है जी, एरो से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये हमारा हो गया रेडी। इस पे शेप फॉर्मेट में, शेप इफेक्ट्स में बेवल इस तरह का कोई इफेक्ट देना, ये भी दे सकते हैं एक अच्छा सा इस तरह का डेप्थ स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। जब ऑल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका शेप फॉर्मेट में यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑप्शन है, पहले ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप का ऑप्शन ऑन हो जाएगा शिफ्ट दबा के। ऑल सेलेक्ट, तीन शेप्स चार शेप्स बने थे, एक स्टार, एक सर्किल, एक ये और एक ये, तो शिफ्ट दबा के सारे सिलेक्ट, ग्रुप ऑन हो गया यहाँ से ग्रुप। अब इसको आप मूव कर सकते हैं, मजीद इसमें जो भी चेंज करना है, शेप्स शेड्स वगैरह चाहिए यहाँ पे, एक शेडो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर आप। ठीक है जी, टैक्स वगैरह लिखना है, इंसर्ट वर्ड आर्ट, यहाँ से टैक्स ले लेंगे, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।